सिंध सरकार का इफ्तिखार शिलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का फैसला। इफ्तिखार शिलवानी को चंद रोज कबल कमिश्नर कराची के ओहदे से हटाया गया था। वो इस वक्त सूबाई सेक्रेटरी बल्दियात हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने तस्दीक कर दी। तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। कराची के लिए बड़ा दिन आन पहुंचा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शहर कायद के दौरे पर आएंगे। 800 अरब रुपए से जायद के ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का ऐलान किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर रेलवे, सीवरेज, पानी की फराहमी और सड़कों की तामीर और मरम्मत के बड़े मंसूबे शामिल। इत्तेहादियों से बैठक लगाएंगे, ताजिरों के मसाइल भी सुनेंगे। कराची डिफेंस में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी। पुलिस का मीरपुर खास की अदालत से राबता। सेशन जज को कब्र कुशाई के लिए खत लिख दिया। इजाजत मिलने के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई होगी। माहा के अहलखाना ने जिना अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। और वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी ख़त्म करने का फैसला। वफाक के तहत स्कूल, कॉलेजेस और जामियात में मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। फैसला कोरोना के दौरान होने वाले तदरीसी नुकसान को पूरा करने के लिए किया गया।